जैसे कि आप लोगों को थंबनेल और टाइटल से पता चल गया है कि आपका भाई पहुंच गया है घर अपने। है कूलर चल रहा है, लाइट ऑन है, पक्का चल रहा है और की गुड़िया सो रही है। तो नाजरीन आप लोग करें एंजॉय सफर। एक बात कहना भूल गया आप लोगों को, जो आने वाले व्लॉग है ना वो आप लोगों को 2 दिन के बाद मिलेंगे, क्योंकि आपके भाई ने 2 दिन से सोया भी नहीं है, नींद करना है पूरा और रेस्ट करना है, फुल रेस्ट रेस्ट रेस्ट, ये गर्मी भी है तो इंशाल्लाह रेस्ट रेस्ट करके तो व्लॉग अगले कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं फिर इसी व्लॉग में। अभी जो व्लॉग आज आएगा ना, यानी कि जो सफ़र वाला है, अभी इंशाल्लाह जा रहा हूँ उसको एडिटिंग करने, मिलते हैं। हेलो जी, वी आर बैक एंड देयर वर लोग। वो दिन आ गया जिस दिन का हम सबको इंतजार नहीं था। सीन कुछ इस तरह है, आप लोग तो समझ गए होंगे, आपका भाई जा रहा है घर। क्यों जा रहा है वजह आपको बताता हूँ। नाजरीन वजह ये है, कुछ दिन से मेरे अबू का तबीयत भी खराब था, उसके अलावा 2 दिन हो गए बेटी का तबीयत भी खराब है, तो आपका भाई जा रहा है घर। मेरे अबू और मेरे बेटी के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उन दोनों को शिफा दे, और जो भी लोग बीमार हैं ना अल्लाह पाक उन सबको सेहत याब करे और उन सबको शिफाए कामला अता करे। आमीन आमीन, आप लोग भी आमीन बोल दो। नाज़रीन अभी चल के नहाता हूँ, नहाने के बाद इंशाल्लाह हम लोग करते हैं अपना सफर शुरू। One hour later. तो लग गया नाजरीन, लास्ट ताला तो कमरे को भी कर दिया, अलविदा हाकिम आ गया था, इसको भी बाय बाय डाटा कर दी, इसको बोला कि सामान सामून उठा ले, तो चलते हैं जी। काफी थक गया हूँ तो भी वेट कर रहा हूँ गाड़ी आ जाए, तो इंशाल्लाह निकलता हूँ इधर से। 20 minutes later. उधर से गाड़ी शाड़ी मिल गया था तो एक लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, अभी टाइम हो रहा है 8:45, 10 बजे मिलेगा बस जाने के लिए, तो इंशाल्लाह अभी इधर से होटल से नाश्ता करते हैं। दही ले लिया और रोटी एक ले लूंगा, क्योंकि हल्का नाश्ता करना है, आगे सफर करना है इसलिए। ठीक है नाज़रीन, आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, मेरा भी मजबूरी हो गया, घर जा रहा हूँ, नहीं तो मैं आप लोगों को इधर इंशाल्लाह अच्छे अच्छे जगह दिखाता और इंजॉय करवाता। कुछ नहीं, इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे कुछ करेंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम। A few moments later. रात को इसमें गैस डलवाया था, आगे मसला हो जाएगा इसलिए अभी इसका गैस सारा मैंने वेस्ट कर दिया है। 1 minute later. हाय हाय नाज़रीन, ना ही पूछे, सामान ऊपर है, आपका भाई थक गया तो जा रहा हूँ अभी बस वाले साइड पे, दुआ करें बस मिल जाए। तो भाई मजा आ रहा है कि नहीं भाई? बहुत मजा आ रहा है, बहुत बहुत मजा आ रही है यहाँ पे, बहुत गर्मी है यहाँ पे यार, गर्मी है। ये जा रहे हाकिम भाई मुझे छोड़ने बस स्टॉप पे, तो उधर से चल। फोन किया गाड़ी वहाँ पे हमारा इंतजार कर रहा है, वो देखो वो गाड़ी खड़ी है। हाँ भाई गाड़ी वाले को फोन किया, वो है रेड वाला गाड़ी, बिल्कुल सही बोल रहे यार, ये जगह मुझे काफी याद आएगा, मिस करूंगा इस जगह को। जिंदगी ने कब मौका देगा तो पता नहीं कब इधर निकल आऊंगा। वादी नहरे पहाड़ पानी बूंदा बांदी, समझ नहीं आ रहा है, बस ये है कि कोई और है, ये भी कब से खड़ा हुआ है, हम जब से पैदल आ रहे हैं वो सामने रेड वाला। हाकिम भाई गिर ना जाओ, पानी पानी है। किसान भाई अपना काम कर रहा है। हाय हाय थक हार के फाइनली रोड वाले साइड पे पहुंच गए हैं, तो जा रहे हैं उस बस वाले के पास। है वो है बस वाला के कोई और नंबर है, उधर जाके रब्ता करेंगे ना, देखते हैं यार। ये बस वाला नहीं था, वो चला गया, कोई और ही होगा मेरे ख्याल में, बोतल का पानी उठा लिया था, का वेट कर रहा हूँ बस, तब तक आ जाए आप लोगों को कुछ दिखा देता हूँ। ये देखो जी बकरा भाई लेके जा रहे हैं, माशाल्लाह मोटा है, क्या इनके पहाड़ी इलाके वाले हैं, अच्छा खूबसूरत है, नहीं जा रहे हैं घसीट के लेके जा रहे हैं जबरदस्ती। ये बकरा बड़ा है, वो जगह थोड़ा है, देखते हैं क्या करते हैं अभी। लग गया सर को बेचारे का, तो दिया लेकिन बेचारे को सर पे चोट लगा, नहीं है कंफर्टेबल, निकल रहा है बाहर, देखे जोर लगा के जबरदस्ती डाल रहे हैं, अभी बंद कर डैडी की स्थानीय भाई, जगह बेचारे को नहीं था, जबरदस्ती इसको उधर डाल दिया है, डैडी में रख दिया है। भाईजान एक 10 वाला आइसक्रीम देना, आइसक्रीम तो होता भी ठंडा है यार, एक हाँ एक एक ही, तो एक ही खाऊंगा ना भाई, 3500 रुपए, 150 रुपया देगा। ये 20 का एक नहीं 40 का, ये 40 का है यार, ये मैं 20 का खाता था, अभी कितने का दोगे? ये कैमरा आपको देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं आपको, हाँ पास ले लो दोनों का, भाई नहीं हो नहीं हम दूर से हैं, आपके मेहमान है यार।
एक और बस आ गया है, सामान लोड हो रहा है बस के अंदर, बस कंफर्म हो गया आपके भाई का। तो चलिए शुरू करते हैं। तीन से चार घंटा का सफर करके चकवाल पहुंच गया हूं। आपके भाई ने खाना वाना खा लिया तो बस भी रेडी है, तो अभी बस इधर से कोई पापड़ शापड़ उठा दो। स्टिंग स्टिंग इन्होंने अपने रेट लगा हुए 30 वाले जी 60 रुपए का। स्टिंग है बड़ा वाला कितने के, छोटा वाला कितने के? 120 के, छोटा 80 के। इतने महंगे यार, ये कितने हो गए दोनों के? अब हो गए 140। काफी चीजें इधर महंगा मिले हैं, 600 रोटी का है और 150 तन 200 इनका। One minute later. Three hours later. तीन से ढाई घंटे का सफर किया है, किसी स्टॉप पे पहुंच गए हैं, तो इधर से कुछ हल्का फुल्का ले लेता हूँ। तो आपके भाई ने ऑर्डर दे दिया खाना का, तो अभी खाना खाऊंगा, चाय पीऊंगा, तो फिर आगे इंशाल्लाह सफर शुरू करते हैं। खाना भी आ गया। एक मिनट, एक मिनट, आराम के साथ उधर बैठ के हम खाना खाते हैं। 15 minutes later. नाजरीन, आपके भाई ने खाना खा लिया, इधर एक भाई मिल गए, इसे भी ये हुक्का वाला पीते हैं, छोटा वाला धुआं निकालते हैं। मार दो छोटा वाला। एक मिनट। काश निकालो, काश 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 ना निकले पैसे, मैं नहीं दूंगा, ठीक है ना सालन के। गजब टूबी बाज आदमी। हाँ ये चीज, अब तुम निकालो। बस जा रहे, बस जा रहे, कश दिखा दे, चलो गाड़ी में जाके पी लें। Six hours later. चार घंटे का सफर किया है, तो नाजरीन आपके भाई को लगा हुआ है 40 तक। जब से निकला हूँ ना घर से, उधर से 40 नहीं किया है, तो समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, इधर पोटी छोटी करता हूँ। किधर है, किधर है वॉशरूम, किधर है मेरा हाजी भाई, मैंने से इधर पहुंच गया हूँ, तो करते हैं टक। अब एक कुंडी भी नहीं है। म्यूजिक। 5 minutes later. 5 मिनट में आपके भाई ने टट्टी कर लिया, लेकिन टट्टी करने का भी अपना ही मजा है। आए हाय हाय, अबे ये तो टूटी भी खराब है, आगे से धोते हैं मुंह हाथ। आए हाय, हारून दे रहे पास वाला, चलते हैं उसके पास फटाफट फटाफट फटा। लो जी बस हमारा रेडी है, तो लोग जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो हम भी बैठ जाएं। The next day. पहुंच गया मुरीद शाह, तो सामान चमान निकाल रहे हैं, दुआ कर रहे हैं इस टाइम कोई गाड़ी मिल जाए, 11 का टाइम है। 8 hours later. हाँ तो नाजरीन, आपका भाई सुबह सुबह जाग गया है, क्योंकि घर भी जाना है ना, टाइम हो रहा है 5:04, तो अभी चल के मुँह हाथ धोते हैं, फिर इंशाल्लाह गाड़ी करवाते हैं। ये रहा जी जेंट्स टॉयलेट, आँख मेरा सूज गया यार, एक ये मुझे ऐसे ही महसूस हो रहा है, ये हो रहा है इधर से, मैं मुँह हाथ धोता हूँ, छोटा शाव करता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलता हूँ। सूरज भी आराम आराम के साथ अपनी जगह से निकल रहा है निशान, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। नाजरीन 2 दिन से मेरा ये आँख खराब हो गया, ऐसा लग रहा है कि इधर से सूज गया, ये दुआ करें कि ये भी ठीक हो जाए, घर पहुंच के इसके लिए दवा शवा भी लेना है। दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे अब्बू और मेरे बेटी को शिफा अता फरमाए, आमीन। मैं यार घर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि 25 दिन अब्बू का तबीयत खराब था, लेकिन कुछ दिन यानी कि ज़्यादा तबीयत खराब, वो मैदे का मसला था, तो अपने अबू को अल्लाह शफा दे, और उसके अलावा बेटी का तबीयत भी ख़राब हो गया था, उसको भी इंशाल्लाह चल के देखते हैं, और इंशाल्लाह दुआ करें कि अल्लाह पाक उसको भी शिफा दे। जी आपका भाई आ गया बस वाले अड्डे पे, तो इधर से सवारी का वेट कर रहा हूँ। सादकाबाद 39 किलोमीटर जाना है मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी मुझे मिल गया एक वैन।
20 minutes later. Finally, आपका भाई अहमदपुर पहुंच गया, तो स्माइल को कॉल किया, बस वो भी आने वाला है, तो चलते हैं घर। स्माइल आ गया है, तो पहले चल के नाश्ता करते हैं। चाचू को ऑर्डर दे दिया, ज्यादा थक गया हूँ ना ही पूछो। स्कूल पढ़ता था तो चाचू के पास चावल ज्यादा खाने आता था, तकरीबन 7-8 साल पहले की बात है। तो इसके चावल का टेस्ट वैसे के वैसे जैसे पहले था, और बेहतरीन किस्म के चावल था। लो जी आगे चावल भी पकड़ो है। बिस्मिल्लाह, तो नाज़रीन ये खा लूँ तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मिलता हूँ। 20 से 25 दिन हो गए आज अपना धंधा चला रहा हूँ। फाइनली घर पहुंच गया हूँ। मुंह हाथ धो के तकरीबन आधा घंटा 1.5 घंटा अब्बू के साथ बैठ के गप शप लगा के अब्बू का हाल वाल पूछ के दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे अब्बू को शिफा दे और मेरी बेटी को भी और जो लोग बीमार हैं उनको भी। यार इन दिनों को काफी मिस कर रहा था। आए हाय सुबह सुबह यानी कि अपने घर के सहन के ऊपर चाय हो और आलम खड़ा होके चाय पिए तो मजा ही आ जाएगा आप लोगों के साथ। तो चाय पी रहा था नाज़रीन, तो मेरे हमसाए ने भी फोर्स किया कि मुझे भी व्लॉग के अंदर ले लो। ओके भाई तुम आ गए व्लॉग के अंदर, कुछ सही है लगे रहो, चाय पियो एंजॉय करो। आपका भाई भी चाय पिए। आए कब देखें भाई अपडेट हो गया कब भी। इतने तक आप लोग भी सब्सक्राइब मार दो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं मारा हुआ है 100% में से 48% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली मेहरबानी करें, लव यू हो गया तो सब्सक्राइब कर दें। अगर इंशाल्लाह मज़ेदार वीडियो आएंगे, खाली देख के ना चले जाएं, इसके पीछे यार काफ़ी मेहनत है मेरा मम्मी में व्लॉग बनाना। आप तो आते हो कूलर के ऊपर बैठते हो, एसी के ऊपर, पखे के ऊपर, मज़े के साथ आए, वीडियो दबाया, क्लिक किया और मज़े के साथ देखा और चल दिए। ऐसे नहीं चलो ना भाई, सब्सक्राइब करके चलो। आज का व्लॉग इतने तक था, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर किसी व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। माशाल्लाह, टेक केयर, ओका।